GST Vidhanan lo keelakamaina marpulu chesaru prastham Jaitley matladutunnaru live chuddam aur ek wo vyavastha samapt hogi to jo post GST regime mein products manufacture honge ya bikenge ya services provide ki jayengi केवल उसका जो रेवेन्यू होगा वो उससे एक पैटर्न उभर कर सामने आएगा और इसलिए जैसा मैंने कहा कि पहला प्रमुख आइटम जो आज की मीटिंग में हम लोगों ने कंसिडर किया वो एक्सपोर्टर्स के संबंध में था और एक्सपोर्टर्स के संबंध में जो मूल समस्या थी कि एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्सेशन तो लगता नहीं है क्योंकि जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको टैक्सेस तो एक्सपोर्ट कर नहीं सकते क्योंकि उससे एक्सपोर्ट नॉन कंपेटिटिव हो जाते हैं एक्सपोर्ट्स को दुनिया के बाजार में प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है कंपटीशन करना पड़ता है और इसलिए एक कमेटी सेक्रेटरीज की बनी थी जिसमें स्टेट्स के और सेंटर के ऑफिशियल्स थे जिसकी रिकमेंडेशन कंसिडर की गई और यह आया कि जो एक्सपोर्टर्स का क्रेडिट है उसका काफी ब्लॉकेज हुआ हुआ है जिससे उनकी कैश लिक्विडिटी के ऊपर असर पड़ता है उसका डेटा तो इलेक्ट्रॉनिकली अवेलेबल है लेकिन उसकी जो तुरंत रिफंड व्यवस्था है वो इलेक्ट्रॉनिकली धीरे धीरे बन रही है उस व्यवस्था को बनने में कुछ समय लग सकता है और इसलिए यह तय हुआ कि क्रॉस एम्पावरमेंट के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट्स के ऑफिशियल्स दोनों एम्पावर्ड रहेंगे और इमीडिएटली तुरंत आज 6 अक्टूबर है 10 अक्टूबर से जुलाई के महीने का और 18 अक्टूबर से अगस्त के महीने का रिफंड्स प्रोसेस करके उन एक्सपोर्टर्स को उनके चेक्स दे दिए जाएंगे ये केवल एक इंटरिम व्यवस्था होगी और एक कमेटी की रिकमेंडेशन थी जिसने एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन सजेस्ट किया है और वो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन इस बेस पे है कि जीएसटी में एग्जेम्पशन तो होता नहीं है तो फिलहाल और इसलिए एक ई वॉलेट हर एक्सपोर्टर का बनेगा उस ई वॉलेट में एक नोशनल अमाउंट उसको एडवांस रिफंड की दृष्टि से दिया जाएगा और इस क्रेडिट के माध्यम से जो उसकी प्रोडक्ट्स का आईजीएसटी या जीएसटी देना है वो लोग देंगे और जो उनको रिफंड इवेंचुअली मिलता है उससे वो ऑफसेट हो जाएगा ये प्रयास किया जाएगा कि ये ई वॉलेट की व्यवस्था जल्दी से जल्दी प्रेफरेबली 1 अप्रैल 2018 से इनिशिएट कर दी जाए एक अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी कंपनी इसको डेवलप करेगी
जो एक्सपोर्टर्स होंगे उनके जो फ्यूचर एक्सपोर्ट्स होंगे वो एक नॉमिनल जीएसटी 0.1% के ऊपर मर्चेंट एक्सपोर्टर्स अपना एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये जो एग्जेम्पशन उनको दिया जा रहा है एक्सटेंडिंग एग्जिस्टिंग एडवांस ऑथराइजेशन एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स ईपीसीजी एंड 100% ईओयू टिल 31/3/18। तो इसके तीन हिस्से हैं, जो पुराना है जुलाई अगस्त का उसका तुरंत रिफंड दे दिया जाएगा, फ्यूचर एक्सपोर्ट्स 31 मार्च तक जो वो करेंगे उस एग्जेम्पशन तक करेंगे जिसमें वो एक नॉमिनल 0.1% देंगे, और उसके बाद प्रयास रहेगा कि जल्दी से जल्दी प्रेफरेबली बाय 1 अप्रैल 2018 ये ई वॉलेट की व्यवस्था तुरंत एस्टैब्लिश कर दी जाए। इसकी जितनी भी और डिटेल्स हैं, इसके कई और छोटे आइटम्स हैं, वो नेट के ऊपर डाल दी जाएगी। जीएसटी का जो अगर पैटर्न हम लोग देखें तो अभी तक जो पेमेंट पैटर्न है, कलेक्शन पैटर्न है, उसमें जो बड़े प्लेयर्स हैं सब्सटेंशियल टैक्सेशन उनकी तरफ से आता है, जो स्मॉल और मीडियम टैक्स पेयर्स हैं नॉमिनल या निल टैक्स, निल की कैटेगरी भी बहुत बड़ी है, वो उनकी तरफ से आता है। और छोटे लोगों पे क्योंकि टैक्स का बर्डन कम है लेकिन कंप्लायंस का दबाव ज्यादा है, ये सभी मेंबर्स ने जो रिप्रेजेंटेशंस आई थी उसके बेस के ऊपर इसको एग्जामिन किया था, और इसलिए हम लोगों ने एक डिटेल्ड एग्जामिनेशन इसका किया और इसकी एक व्यवस्था बनाने की कोशिश की है जिसमें जो लार्ज टैक्स, जिसके पक्ष ये है कि जो मेजर टैक्स कलेक्शन है लगभग 94-95% जो बड़े प्लेयर से आता है उसका एकदम फ्लो बढ़ता रहे, दूसरा जो मीडियम और स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं वो टैक्स नेट में रहें ताकि टैक्स बेस बढ़ता रहे लेकिन उनका कंप्लायंस बर्डन हम लोग रिलैक्स कर दें। और इसलिए कुछ प्रमुख निर्णय इस संबंध में किए गए। जो कॉम्पोजिशन स्कीम है जिसकी एलिजिबिलिटी 75 लाख रुपए की टोटल टर्नओवर तक थी, उसमें हमारे पास थोड़ा हेड स्पेस था क्योंकि कानून में 1 करोड़ रुपए की का प्रावधान है, तो कॉम्पोजिशन स्कीम का दायरा आज बढ़ा दिया गया है और कॉम्पोजिशन स्कीम अब 75 लाख के स्थान पर 1 करोड़ तक जिसकी टर्नओवर है वो लोग कर सकते हैं। इस कॉम्पोजिशन स्कीम में 3 प्रकार के लोग आते हैं, जो ट्रेडिंग करते हैं वो 1% टैक्स देंगे, यानी 1 करोड़ तक की टर्नओवर होगा तो केवल 1% टैक्स देना पड़ेगा, जो मैन्युफैक्चरिंग में है उनको 2% देना पड़ेगा और जो रेस्टोरेंट बिजनेस में है उनको 5% देना पड़ेगा।
तो कॉम्पोजिशन स्कीम का दायरा बढ़ा दिया गया है। एक दूसरा निर्णय हम लोगों ने लिया कि अभी तक जो टोटल टैक्स पेयर बेस है जिसमें लगभग 72 लाख पुराने असेसीज थे जो माइग्रेट किए हैं और लगभग 25-26 लाख नए असेसीज जुड़े हैं। अब इनमें से स्वाभाविक है सभी टैक्स नहीं देते, निल टैक्स देने वालों की संख्या भी बहुत अधिक है इसमें से, लेकिन इन लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है। इसमें से लगभग 94-95% टैक्स जो बड़े असेसीज हैं उनसे आता है और जो छोटे असेसीज हैं उनकी संख्या बहुत अधिक है और ये वो लोग हैं जिनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपया या उससे कम है, 1.5 करोड़ और लेस, और ये एक मास टैक्सपेयर्स का है। इनमें से लगभग 15.5 लाख वो हैं, 15.5 लाख जो 1 करोड़ से कम है और जिन्होंने कॉम्पोजिशन स्कीम को स्वीकार किया है। अब कॉम्पोजिशन स्कीम में आपको 3 महीने में एक बार यानी क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना पड़ता है और क्वार्टरली अपना 1%, 2% या 5% जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं टैक्स देना पड़ता है। उसी प्रकार से यह तय हुआ कि जिनकी 1.5 करोड़ तक की टर्नओवर है, 1.5 करोड़ की टर्नओवर है और इसमें लगभग 90% असेसीज कवर हो जाएंगे जो आउटसाइड द कॉम्पोजिशन स्कीम है, वो अब मंथली रिटर्न के स्थान पर क्वार्टरली रिटर्न फाइल करें। जो 1.5 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाले हैं वो पुरानी व्यवस्था के मुताबिक जीएसटी 1, 2, 3, 3B सब उसी हिसाब से फाइल करते रहेंगे मंथली। और इस तरीके से जो स्मॉल और मीडियम टैक्स पेयर है जिसकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है उसका कंप्लायंस बर्डन 2 तरीके से कम हुआ कि 1 करोड़ से छोटे वाला कॉम्पोजिशन में जा सकता है, वो भी क्वार्टरली है और नॉमिनल टैक्स दे सकता है, और अगर वो आईटीसी का बेनिफिट लेना चाहे इनपुट टैक्स क्रेडिट का तो वो क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर सकता है। इसके साथ साथ कुछ विषय ऐसे थे जो कुछ मेंबर्स ने रेस किए जिसको लेकर काउंसिल में काफी डिस्कशन था, अलग अलग मत थे लोगों के कि ये जो पहला विषय जो ये 1 करोड़ रुपया काउंट होगा तो क्या इसमें टैक्स पेमेंट की दृष्टि से केवल टोटल टर्नओवर देखी जाएगी या इसमें एग्जेम्प्टेड गुड्स बाहर किए जा सकते हैं, जैसे कोई ग्रोसरी शॉप चलाता है, अब ब्रांडेड आइटम पे वो 5% देता है लेकिन जो खुला आटा चावल बेचता है उस पे 0 टैक्स है, तो टैक्स किस वो जो 1% देगा अगर ट्रेडर है तो वो एग्जेम्प्टेड गुड्स भी उस 1% में आएंगे कि वो बाहर रहेंगे। अभी तक पुराने वैट रिजीम में भी और प्रेजेंट रिजीम में भी वो उसमें गिने जाते हैं, तो अगर उससे मुक्ति मिल जाती है तो फिर उसका कंप्लायंस और सरल हो जाता है। दूसरा एक विषय कई सदस्यों ने रेज किया कि क्या कॉम्पोजिशन स्कीम में जो लोग आए हैं
उनको इंटरस्टेट सेल्स अलाउड है कि नहीं, अभी कानून उसकी अनुमति नहीं देता, तो क्या इसमें परिवर्तन सोचना चाहिए? और तीसरा, जो ये 2% मैन्युफैक्चरिंग में टैक्स देते हैं, तो क्या इनको 2% के हिसाब से इनपुट क्रेडिट मिलना चाहिए कि नहीं? अब ये विषय थे जिनको डेप्थ में एग्जामिन करने की जरूरत है। और एक जीएसटी काउंसिल की तरफ से ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, फाइनेंस मिनिस्टर्स होगा स्टेट्स का, वो इसको अर्जेंट बेसिस पे एग्जामिन करेगा और 2 वीक्स में अपनी रिपोर्ट देगा। इसी जीओएम को एक चौथा विषय भी सौंपा गया है, क्योंकि एक प्राय शिकायत भी मिली है और लोगों का, सदस्यों का इंप्रेशन भी था कि जो रेस्टोरेंट्स हैं, जो 1 करोड़ से कम वाले टर्नओवर के होंगे, जो पहले 75 लाख से कम वाले, वो तो 5% कॉम्पोजिशन में आते हैं, जो उससे बड़े हैं जो एयर कंडीशन है वो 18%।